फूर गंडा के बारे में एक सुबह झगड़ा हुई थी तो हम लोग समझौता करके बराबर कर दिए थे। और उसके बाद शाम को औरतें शौचालय के लिए गई थी, उसके बाद उन लोगों में पता नहीं न जाने क्या हुआ झगड़ा, वो उनको औरतों को भी मारने लगे। उसके बाद पापा जी गए छुड़ाने के लिए, उनको चीन के उनको भी मार दिए, लाठी से मारे हैं, टंगारी से भी मारे हैं। और हम लोग हम तो सो गए थे, भाई हमारे थे, भाई को भी घाव लग गया है। वो लोग चार पांच लोग थे, हमारे पास दो ही एक दो लोग आदमी थे। मैं वहाँ पे उनके गया तो देखे हमारे पिताजी घायल हो गए थे, भाई को घाव लग गई थी, मेरे को। फिर वहाँ से हम लोग उठा के चले चले यहाँ बाज़ार में आए, बाज़ार से जॉब हो गया, फिर वर्धा गए, वर्धा वहाँ भी जॉब हो गया, वहाँ से निकले जौनपुर, जौनपुर जाते जाते एकदम तोड़ दिया। हाँ सर, पहले धमकी दिए थे हम लोग, गुरगड्डू को कई बार नपवा चुके थे और समझौता हो गया था, फिर भी वो लोग बार बार झगड़ा खोजते थे। नहीं, थाना बरदा में सेखुपुरा गांव है, सेखुपुरा गांव में एक संतलाल का परिवार था और उनके पटीदार सगे थे, दोनों अनुसूचित जाति के व्यक्ति थे। इन दोनों में आपस में 1920 की रात को झगड़ा हुआ था कल रात में, और कुछ चोटें लग गई थीं। संतलाल को जौनपुर एडमिट कराया गया था और जहां उनकी आज भोर में मौत हो गई। वास्तव में अत्यंत पारिवारिक झगड़ा है, दोनों सगे पटीदार हैं, किसी बात को लेकर इनमें कहाँ सुनी हुई जिससे लोग मारपीट कर लिए और उनके सर पर कहीं चोट लग गई संतलाल की, जिससे उनकी मौत हो गई है। पोस्टमार्टम करा के इसमें हम लोग आवश्यक कार्य करवा रहे हैं। इसमें जो नामजद चार लोग किए गए, इसमें दो हम लोग गिरफ्तार कर लिए हैं। जो संतलाल का भतीजा है वही इसमें वादी मुकदमा बना हुआ है। इसमें ये कोई रंजिश पुरानी नहीं थी, अत्यंत छोटी खास उन्हीं को लेके घर पे ही इनके मारपीट हुई थी 1920 की रात में, और इसी को लेके इनके सर पे चोट लगी थी जिससे इनकी मौत हो गई।